नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज मैं आपको बताने वाला हूं टेली प्राइम के अंदर आप किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग के नाम से। यहां पर आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आप यहां पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम ले लेते हैं दिल्ली और बाकी फर्दर डिटेल अगर आप फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं। हम सिंपल इसको कंट्रोल ए करके सेव कर रहे हैं और इसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स और ओपन होगा। इसको भी आपको सिंपल कंट्रोल ए करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप देखेंगे हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद हमें जाना है वाउचर्स के अंदर। वाउचर्स में जाने के बाद हम सबसे पहले रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे। तो रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F9। F9 प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम रॉ मटेरियल को परचेज कर लेते हैं। परचेज करने के लिए अब यहाँ पर आप सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल दीजिए, जो भी आपका इनवॉइस नंबर है तो वो हम फिल कर लेते हैं। और एंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर डेट दे सकते हैं, जो भी जिस डेट पे आप माल को परचेज कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको पार्टी का नेम देना होगा। तो आप देखेंगे हमारे पास कोई भी लेजर क्रिएट नहीं है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लेजर क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए आप जा सकते हैं इस क्रिएट वाले ऑप्शन पे और या तो फिर यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं Alt+C। तो हम यहाँ पर क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक पार्टी का लेजर बना लेते हैं। जैसे मैं बना लेता हूँ मोहन कॉरपोरेशन, जिससे मैं गुड्स को परचेज करूंगा। इसे अंडर डाल दूंगा सिंडिकेटर के और इसके बाद आपको सिंपल एंटर करके इसको सेव कर देना है। यहां पर भी आप इसे एंटर करके सेव कर दीजिए। यहां पर भी आपको एंटर करके सेव कर देना है और यहां पर आपको एक लेजर और क्रिएट करना है परचेज का और इसको आप अंडर डाल दीजिए परचेज अकाउंट के। और यहां पर आपको इसे नॉट एप्लीकेबल रखना है। जीएसटी डिटेल को आपको एप्लीकेबल रख करके यहां पर आपको जीएसटी डिटेल को नो रखना है और यहां पर आपको ले लेना है गुड्स और सिंपल आपको इसको भी एंटर करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहां पर अब हमें आइटम्स चाहिए। तो हमें आइटम्स कौन कौन से परचेज करने हैं, तो इसके लिए चले जाते हैं अपनी लिस्ट के ऊपर और हमें ये मटेरियल चाहिए कंप्यूटर को बनाने के लिए। तो यहां पर हम सबसे पहले ले लेते हैं मदरबोर्ड को। तो मुझे सबसे पहले मदरबोर्ड चाहिए। तो यहां पर आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt+C। Alt+C प्रेस करने के बाद यहां पर आप मदरबोर्ड लिख दीजिए। मदरबोर्ड लिखने के बाद आपको इसे एंटर प्रेस करना है। अब ये हमारा रॉ मटेरियल है, इसलिए हम इसको प्राइमरी के अंदर डालेंगे। और यहाँ पर आपका ये जो मदरबोर्ड है वो किस यूनिट्स के अंदर मिलता है, तो यहाँ पर आपको फिर से Alt+C प्रेस करना है और यहाँ पर आप इसका यूनिट्स क्रिएट कर लीजिए। जैसे मैं क्रिएट कर लेता हूँ PCs। यहाँ पर एंटर प्रेस करिए, यहाँ पे उसकी फुल फॉर्म डाल दीजिए और उसके बाद एंटर प्रेस करके आप यहाँ पर इसे PCs या पैक्स के अंदर ले सकते हैं, जो भी लेना चाहें। तो हम ले लेते हैं इसे PCs के अंदर और इसे सिंपल एंटर करके सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन और हमारा शो हो रहा है एडिशनल डिटेल्स के अंदर, सेट कॉम्पोनेंट्स BOM यानी कि बिल ऑफ मटेरियल। ये वाला ऑप्शन आपके सामने अगर शो ना हो तो आप यहाँ पर अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, सेट कॉम्पोनेंट्स लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम। इस वाले ऑप्शन को आपको यस कराना है। तो यहाँ पर हमने इसे पहले से ही यस करा रखा है। अगर आपने यस ना कराया हो तो इसे यस कराएंगे आप लोग और इसे कंट्रोल ए करके हम सेव कर देंगे। तो अभी फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम इसे नो रखेंगे। और यहाँ पर अगर आप जीएसटी डिटेल को एप्लीकेबल करना चाहें तो कर सकते हैं, हम इसे सिंपल एंटर करके सेव कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अगर अपने आइटम्स की डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो दे सकते हैं। हम यहाँ पर आइटम्स की डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे हैं, हम सिंपल इसे एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर क्वांटिटी दे दीजिए यानी कितनी क्वांटिटी आप परचेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्वांटिटी देख लेते हैं। क्वांटिटी हम 100 पीसेस परचेस कर रहे हैं, तो चले जाते हैं वापस अपनी टैली के अंदर और 100 पीस दे देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर इसका रेट क्या है, तो इसका रेट है हमारा 3250 रुपये। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 3250 रुपये, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका टोटल अमाउंट इंक्लूड हो गया, यानी कैलकुलेट करके आपके सामने शो हो गया। आपको सिंपल एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर अब आपको दूसरा आइटम लेना है। तो हमारा जो दूसरा आइटम है वो हमारा इंटेल का CPU यानी प्रोसेसर। हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, आप सिंपल इसे कॉपी भी कर सकते हैं और चाहें तो यहाँ पर इसे टाइप भी कर सकते हैं। तो यहाँ कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+C और यहाँ पर उसको पेस्ट कर देंगे, या आप चाहें तो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। आपको एंटर प्रेस करना है यहाँ पर और इसको भी एंटर ऑफ डाल देना है प्राइमरी, क्योंकि आपका रॉ मटेरियल है और यहाँ से हम लेंगे इसको पीसेस के अंदर। और यहाँ पर भी आपको बोम को रहने देना है, इसको अभी कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी, आपको सिंपल एंटर करके सेव कर देना है। इसी तरीके से आप इसकी क्वांटिटी जो है वो परचेज करेंगे। मान लीजिए 100 पीसेस हम परचेज कर रहे हैं। इसका जो प्राइस है तो प्राइस हम देख लेते हैं, इसका प्राइस क्या है, तो इसका प्राइस है 1200 रुपये। तो यहाँ पर हम दे लेते हैं 1200 रुपये और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद अब हमारा जो तीसरा आइटम है वो है हमारा कैबिनेट। तो हम यहाँ कैबिनेट को सिलेक्ट करते हैं यानी कॉपी कर लेते हैं और टैली पे जाकर के यहाँ पे Alt+C करेंगे और यहाँ पर कैबिनेट को पेस्ट कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर इसको भी हम प्राइमरी के अंदर डालेंगे, यहाँ से पीसेस ले लेंगे और सिंपल एंटर करके आपको इसको भी सेव करा देना है।
यहाँ पर इसकी क्वांटिटी डाल दीजिए, तो हमने ले लिया 100 पीसेस और इसका जो प्राइस था वो प्राइस था 1000 रुपीज़, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 1000 रुपीज़ और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और नीचे आ जाइए। इसके बाद फिर से ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम ना नेक्स्ट आइटम ले लेते हैं, तो नेक्स्ट आइटम हमारा रैम है यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, तो हम इसको भी यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, एंटर प्रेस करेंगे, इसको प्राइमरी में डालेंगे सेम उसी तरीके से एज इट इज पीसेस में डालेंगे और एंटर करके हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर इसकी क्वांटिटी डाल दीजिए, तो इसकी जो क्वांटिटी थी वो 200 थी यानी एक सीपीयू के अंदर ये दो पीसेस लगेगा, तो 200 की क्वांटिटी हम इसे परचेज कर रहे हैं। इसका जो प्राइस है वो प्राइस है 1200 रुपये पर पीस का, तो हम यहाँ 1200 रुपये ले लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इसका भी कैलकुलेशन हो गया, नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद अब हमें लेना है साटा केबल्स, तो हम यहाँ पर साटा केबल्स को ले लेते हैं। साटा केबल्स को यहाँ पर भी आपको सेम इसी तरीके से ऑल्ट सी प्रेस करना है, यहाँ पर इसको पेस्ट करना है, सेम इसी तरीके से इसको भी प्राइमरी में दे करके पीसेस में दे करके आपको उसको एंटर करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप देखेंगे इसकी जो क्वांटिटी है, इसकी 200 क्वांटिटी थी, इसका जो पर पीस था वो 50 रुपीज़ पर पीस था, तो आप देखेंगे इसका भी कैलकुलेशन हो गया और आप सिंपल इसे एंटर करके सेव कर दीजिए। अगर आप यहाँ पर GST का यूज़ करना चाहें तो आप यहाँ पर GST लगा सकते हैं। GST के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है कि आप GST किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, आप सेंट्रल टैक्स किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, स्टेट टैक्स किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इंटरस्टेट किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप राउंडअप का यूज़ करना चाहें तो पिछली वीडियो में मैंने राउंडअप के बारे में भी आपको बता रखा है, यहाँ पर आप चाहें तो राउंडअप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसे सिंपली परचेज कर रहे हैं, तो हम इसे सिर्फ एंटर करके सेव कर देंगे। यहाँ पर आपके सामने ईवे बिल का ऑप्शन है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसे सीधे एंटर करके सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम इस एंट्री को यहाँ से करा देते हैं पास और हमारे स्टॉक में इतना आइटम परचेज हो चुका है। तो हम एक बार स्कैप करके पीछे चले जाते हैं, पीछे जाने के बाद बैलेंस शीट में आ जाते हैं। बैलेंस शीट के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो करंट एसेट्स है वो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये आइटम्स इतने इतने पीसेस हमारे सामने शो अप हो गए, जिसमें कैबिनेट 100 पीस है, CPU हमारा 100 पीस है, मदरबोर्ड 100 पीस है, रैम 200 है और साटा 200 पीस है। तो इतने के प्राइस का, इतनी क्वांटिटी का ये सब कुछ हमारे सामने यहाँ पर शो अप हो गया। अब हम ये जो आइटम्स हमने परचेज किया है इसी आइटम का हम एक मैन्युफैक्चर करेंगे, एक CPU तैयार करेंगे यानी एक तरीके से कंप्यूटर तैयार करेंगे। तो उस मशीन को तैयार करने के लिए अब हमें करना क्या है, अपने कीबोर्ड से स्कैप करके पीछे आना है। इसके बाद आपको जाना है क्रिएट वाले ऑप्शन पे। क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से आपको जाना है वाउचर टाइप्स के अंदर। वाउचर टाइप्स के अंदर जाने के बाद एक नया वाउचर हम लोग क्रिएट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग के नाम से, तो यहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग के नाम से एक नया वाउचर क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद इसको एंटर करके हम इसे डाल देंगे स्टॉक जर्नल के अंदर। और इसके बाद आपको एक ध्यान रखना है, आपको नीचे आकर के आपको एक ऑप्शन को यस कराना होगा। आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन है यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इस वाले ऑप्शन को आपको यस कराना है और सिंपल इसको कंट्रोल लेकर के सेव कर देना है। यानी हमारा मैन्युफैक्चरिंग का जो जर्नल वाउचर था वो क्रिएट हो चुका है। अब आपको स्कैप करके पीछे आना है। इसके बाद हमें जाना है वापस क्रिएट वाले ऑप्शन पे। क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद अब हमें जाना है स्टॉक आइटम वाले ऑप्शन पे फिर से, और यहाँ पर हम जो भी चीज क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम देंगे। तो हम जो क्रिएट कर रहे हैं वो क्रिएट कर रहे हैं कंप्यूटर असेंबल, यानी हम कंप्यूटर को असेंबल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कंप्यूटर असेंबल। कंप्यूटर असेंबल लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है और इसको भी अंडर ऑफ प्राइमरी दे देना है। प्राइमरी देने के बाद यहाँ पर भी आपको पीसेस ले लेना है। अब आपको यूज करना है बॉम वाले ऑप्शन को, यानी इस वाले ऑप्शन को आप क्या करेंगे यहाँ से यस कराएंगे। यस कराने के बाद आपको यहाँ पर नाम देना होगा कि आप क्या असेंबल कर रहे हैं, तो मैं दे दे रहा हूँ यहाँ पे कंप्यूटर, कि मैं एक कंप्यूटर असेंबल कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करना होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन है यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो यहाँ पर आपको रखना है 1 और 1 रखने के बाद आपको ये बताना है कि एक पीस के अंदर यानी एक कंप्यूटर के अंदर कितने कितने रॉ मटेरियल्स यहाँ पर यूज होंगे। तो मान लीजिए कि हम कैबिनेट की अगर हम बात करें तो कैबिनेट एक अगर हम पीस तैयार करते हैं कंप्यूटर का, तो उसके अंदर कैबिनेट जो यूज होने वाला है वो एक पीस यूज होगा। उसी तरीके से अगर हम CPU की बात करें तो CPU भी हमारा एक पीस यूज होगा। उसके बाद अगर हम मदरबोर्ड की बात करें तो ये भी हमारा एक पीस यूज होगा, लेकिन रैम जो लगाएंगे हम लोग 2 रैम लगाएंगे और इसी तरीके से साटा केबल जो लगाएंगे वो भी हम 2 लगाएंगे। दो लगाने के बाद यानी जितना भी रॉ मटेरियल है आपका एक पीस को बनाने में जितना भी रॉ मटेरियल आपका खर्च होगा वो आपको यहाँ पर पहले डिफाइन करना होगा और उसके बाद आपको इसे एंटर करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर भी एंटर करके इसको सेव कर देना है। तो ये काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें जाना है स्कैप करके पीछे। स्कैप करके पीछे जाने के बाद अब आपको जाना है वाउचर्स के अंदर, और वाउचर्स के अंदर जाने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt+F7। जब आप Alt+F7 प्रेस करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शंस आ जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन आएगा आपका स्टॉक जर्नल का और दूसरा ऑप्शन आएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग का। तो हमने जो मैन्युफैक्चरिंग का वाउचर तैयार किया था हम इसमें चले जाएंगे, हम इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे।
एंटरप्राइज करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने मैन्युफैक्चरिंग का जो वाउचर था वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे नेम ऑफ प्रोडक्ट, यानी आप किस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो आप अपने कीबोर्ड से यहाँ स्पेस दबाइए और यहाँ से हम ले लेंगे कंप्यूटर असेंबल, यानी हम कंप्यूटर को असेंबल कर रहे हैं। यहाँ पर आपको सिंपल एंटरप्राइज करना है। एंटरप्राइज करने के बाद यहाँ पर क्वांटिटी देंगे, यानी कितने पीसीस की आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो मान लीजिए हमने 100 पीसीस की क्वांटिटी परचेज की थी, तो मैं यहाँ पर जो मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ वो मान लीजिए 50 पीसीस का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर 50 पीसीस ले लूंगा, यानी 50 कंप्यूटर ले लूंगा, एंटरप्राइज करूंगा। इसके एंटरप्राइज करते ही आप यहाँ पर देखेंगे ये वहाँ पर ऑटोमेटिकली उसको कैलकुलेट कर लेगा, यानी कि कैबिनेट जो यूज होगा इन 50 पीसेस के अंदर, यानी 50 कंप्यूटर जब आप बनाएंगे तो जो कैबिनेट यूज होगा वो 50 पीस यूज होगा, जिसका प्राइस 1000 रुपए है, और यहाँ पर आपका जो खर्चा आएगा वो 50,000 रुपए का आएगा टोटल। इसी तरीके से अगर हम सीपीयू की बात करें तो सीपीयू का जो क्वांटिटी है वो 50 पीसेस यूज होगी, और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसका जो प्राइस है वो 1200 रुपए है। उसी तरीके से यहाँ पर जो इसकी टोटल प्राइस आएगा वो 60,000 आ जाएगा। इसके बाद अगर हम मदरबोर्ड की बात करें तो ये भी 50 पीस यूज होगा हमारा, और जिसका प्राइस है 3250 रुपए, और यहाँ पर आपका इसकी जो कॉस्ट आएगी वो 1,62,500 रुपए आएगी। उसी तरीके से हम बात करें अगर रैम की, तो रैम हमारा 100 पीस यूज होगा। यहाँ पर 100 पीस इस वजह से यूज होगा क्योंकि हमने एक पीस के अंदर, यानी एक अगर हम कंप्यूटर तैयार करते हैं तो उसके अंदर हम दो पीस का यूज करेंगे, यानी दो पीस हम लगाएंगे जो हमने अभी डिफाइन किया था। तो रैम हम दो यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पर 100 क्वांटिटी यूज होगी, और इसका जो प्राइस है वो 1200 रुपए है, 1,20,000 रुपए का आपका रैम का एक्सपेंस होगा। और उसके बाद अगर हम बात करें साटा केबल की, तो यहाँ पर ये भी हमारे दो पीसेस यूज होंगे पर पीस के अंदर, इसके जो प्राइस है वो 50 रुपीज है, और इसकी जो टोटल कॉस्टिंग आएगी वो 5,000 रुपए आएगी। तो इसकी जो टोटल कॉस्टिंग आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने शो अप हो गई, 350 पीस हमारा टोटल यहाँ पर आप देखेंगे क्वांटिटी यूज हो रही है, जिसका टोटल अमाउंट अगर हम बात करें तो 3,97,500 रुपए आपका टोटल अमाउंट यहाँ पर आ रहा है। और अब आपको सिंपल इसे एंटर करके सेव कर देना है। यहाँ पर अगर आप अपना स्क्रैप दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर स्क्रैप दिखा सकते हैं, जिस भी आइटम का स्क्रैप दिखाना चाहें यहाँ से आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कोई भी स्क्रैप अभी नहीं दिखा रहे हैं, हम सीधे एंटर करके नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने ऑप्शन है टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट, यानी इसको आइटम को बनाने के लिए आपकी जो एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट लगी है वो क्या क्या लगी है वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमने जो इसको मैन्युफैक्चर किया है, इसकी पर पीस की अगर हम बात करें तो हमारा जो सीपीयू तैयार हुआ है वो 7,950 रुपए का टोटल तैयार हुआ है, और आप यहाँ देखेंगे इसका जो टोटल इफेक्टिव कॉस्ट था वो यहाँ पर 3,97,500 रुपए का टोटल इफेक्टिव कॉस्ट है आपका। यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो पर पीस यहाँ पर पड़ेगा, यानी जो भी हम कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका एक पीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 7,950 रुपए का हमें एक आइटम मैन्युफैक्चर होकर के पड़ेगा। तो अब यहाँ पर जो हम एडिशनल कॉस्ट को ऐड करेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पर इसकी कॉस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो चलिए हम इसको यूज करके देखते हैं। मान लीजिए कि इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए हमारे पास जो लेबर है, लेबर ने अपना एक्सपेंस अलग से लिया है, यानी लेबर का चार्ज हम यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ पर हम ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ एक लेजर बनाएंगे लेबर का एक्सपेंस का, और यहाँ पर लेबर एक्सपेंस को डाल देंगे हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, और सिंपल इसको कंट्रोल ए करके सेव करा देंगे। यहाँ पर आप इसकी परसेंटेज डाल दीजिए, यानी कितने परसेंट का आपका लेबर का एक्सपेंस हुआ। तो मान लीजिए 5% का हमारा लेबर एक्सपेंस हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसकी जो टोटल कॉस्टिंग थी 19,875 रुपए आ गई, यानी 50 पीस को बनाने के लिए जो लेबर है उसने 5% का एक्सपेंस लिया है, यानी 5% हमसे एक्स्ट्रा पैसा लिया है, तो उसका पैसा जो यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आपके सामने शो अप हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो टोटल अमाउंट था यहाँ पर इंक्रीज हो गया 8,347 रुपए। इसके अलावा अगर कोई और अदर एक्सपेंस है जो आपने इस प्रोडक्ट को बनाते समय एक्सपेंस किया है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं एक एक्सपेंस और ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मेरा लगा है इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक्सपेंस है, तो ये भी मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर डालूंगा। और इसको अगर आप चाहें तो परसेंटेज के अंदर ना डाल करके आप चाहें तो यहाँ पर रेट के अकॉर्डिंग भी दिखा सकते हैं, यानी तो यहाँ पर हम सीधे अमाउंट लिख करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने दिखा दिया कि मेरा 1200 रुपए का टोटल बिजली का बिल खर्च हुआ है इस आइटम को क्रिएट करने में, तो मैं सिंपल इसे एंटरप्रेस करूंगा। एंटरप्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका अमाउंट और ज्यादा इंक्रीज हो गया, 8,371.50 पैसे का मेरा ये जो पर पीस है वो पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप नरेशन लिखना चाहें तो अपनी नरेशन को लिख सकते हैं। यहाँ पर हम सीधे इसको एंटर करके सेव करा देंगे। तो यानी हमारा जो आइटम था वो मैन्युफैक्चर हो चुका है। अब इसके बाद मैं आपको एक बार बैलेंस शीट दिखा देता हूँ, स्कैप करके हम पीछे आ जाते हैं। पीछे आने के बाद आप चले जाइए बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में आने के बाद यहाँ पर आप ऑल्ट F1 प्रेस करिए। ऑल्ट F1 प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपकी जो करंट लायबिलिटी है वो इतनी है, यानी इतने का हमने माल खरीद रखा है पहले से, इतना पैसा हमें
अपने सिंडिकेटर को देना है। और यहाँ पर आप देखेंगे आपकी जो करंट एसेट्स है वो इतने की आ गई है। इस पर हम एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद इस पर वापस एंटर प्रेस करिए तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो हमने कंप्यूटर असेंबल किया था 50 पीस असेंबल किया था जिसकी कॉस्ट है 8371.50 रुपये, यानी 8371.50 रुपये का हमारा जो कॉस्ट है वो कंप्यूटर का कॉस्ट पड़ रहा है। और ये टोटल जो अमाउंट कैलकुलेट हुआ हमारा 50 पीस का वो 4,18,575 रुपये यहाँ पर शो हो गया। तो हम इसको 10,000 रुपये के हिसाब से सेल करेंगे ताकि हमें भी प्रॉफिट होना चाहिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, स्कैप करके पीछे आ जाएंगे। पीछे आने के बाद अब चले जाएंगे सीधे अपने वाउचर्स के अंदर और यहाँ पर प्रेस करेंगे F8। F8 प्रेस करने के बाद मैं इस आइटम को सेल करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको लेना है Alt C और Alt C करने के बाद यहाँ पर आपको एक पार्टी का लेजर क्रिएट करना है। जैसे मैं क्रिएट कर लेता हूँ आदित्य कॉरपोरेशन और इसको अंडर ऑफ डाल दूंगा संडी डेबिटर के। और इसके बाद मैं इसे एंटर एंटर करके सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद यहाँ पर अभी आप कंट्रोल ए करके सेव कर दीजिए इसको। यहाँ पर भी आपको कंट्रोल ए करके सेव कर देना है। यहाँ पर आपको ले लेना है क्रिएट का ऑप्शन और यहाँ पे आपको फिर से क्रिएट करना है एक नया लेजर यानी सेल्स अकाउंट का। और उसके बाद यहाँ पर ले लीजिए सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट लेने के बाद यहाँ पर आपको इसे नॉट एप्लीकेबल रखना है, कंट्रोल ए करना है। कंट्रोल ए करने के बाद स्पेस दबाइए, यहाँ से ले लीजिए कंप्यूटर असेंबल और यहाँ पर आपको अपनी क्वांटिटी देनी है कितने पीस आप सेल कर रहे हैं। तो मान लीजिए मैं ले रहा हूँ 50 पीस। मेरा जो कॉस्टिंग थी वो 8,375 रुपये के आसपास थी तो मैं यहाँ पर इसको बेचूंगा कम से कम 10,000 रुपये पर पीस ताकि मुझे प्रॉफिट हो। इसके बाद मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे 5,00,000 का हमारा आइटम टोटल सेल हो रहा है। इसको हम एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद अगर यहाँ पर आप जीएसटी यूज करना चाहें, जीएसटी के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखा है, आप वहां से इसे देख करके अगर आप यहाँ जीएसटी ऐड करना चाहें तो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैं इसको सिंपल एंटर करके सेव करूंगा और एंटर करके सेव करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे जो पीस था वहां पर वो यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो स्कैप करके हम पीछे आ जाते हैं। इसके बाद एक बार हम बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में आकर के आप एंटर प्रेस करिए। यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो करंट एसेट्स है इस पे जाकर के अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका क्लोजिंग स्टॉक आपके सामने शो हो रहा है 3,97,500 रुपये का। यानी इतने का आइटम अभी हमारे पास और भी बचा हुआ है। हमने जो आइटम क्रिएट किया था वो आधा आइटम क्रिएट किया था। इस पे हम एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर इतने आइटम अभी आपके पास बचे हुए हैं, इनको और आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो। स्कैप करके पीछे आ जाइए। बाकी जो था हमारा आइटम वो हमने सेल कर दिया है 5,00,000 रुपये का। आप इसके बाद स्कैप करके पीछे आ जाइए। यहाँ पर आ जाइए अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आने के बाद यहाँ पर अपने कीबोर्ड से प्रेस करिए Alt F1। Alt F1 प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको पूरा डिस्क्राइब कर देगा ये कि आपने जो टोटल सेल की है वो 5,00,000 रुपये की सेल की है, जिसके अंदर आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक है यानी इतना आइटम अभी भी आपके पास बचा हुआ है, रॉ मटेरियल अभी भी आपके पास बचा हुआ है, आप इसे और मैन्युफैक्चर करके सेल कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे इसके अंदर आपने जो भी आइटम परचेज किया था और उसके अंदर सेल करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आपको हुआ है वो 1,02,500 रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ है। तो ये था हमारा मैन्युफैक्चरिंग वाउचर की एंट्री। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।